जय जाते हो भारतीय इतिहास की सीरीज में, प्राचीन इतिहास सीरीज में। आज हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल, इसी में मगध साम्राज्य। जब भी महाजनपद काल की बात करते हैं तो महाजनपद काल प्राचीन इतिहास वही सर जहाँ सर के परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है। अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। 16 महाजनपद को 16 महाजनपदों की जो जानकारी थी ये हमें जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अगंतो निकाय से, कि हम लोगों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म में पढ़ लिया था, इस टॉपिक को अध्ययन कर लिया था। इसके अलावा बुद्ध के समय 10 गणराज्यों के भी अस्तित्व के प्रमाण मिले। महाजनपद दो प्रकार के थे, जो महाजनपद थे उसमें जो शासन प्रणाली थी वो दो प्रकार के थे, पहला राजतंत्र था, दूसरा गणतंत्र था। अगर राजतंत्र की बात करें तो राजतंत्र मतलब जिसका अध्यक्ष राजा होता था, लेकिन जो गणतंत्र थे ऐसे जिनका शासन राजा द्वारा ना होकर गण संघ के द्वारा होता था, जैसे वज्जी मल, उन्हें गणतंत्र कहते थे। तो 16 महाजनपद में दो ही ऐसे महाजनपद थे, वज्जी और मल, जहां पे गणतंत्र शासन व्यवस्था थी। बाकी 14 महाजनपदों में राजतंत्र शासन व्यवस्था थी। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर इस पूरे तथ्यों को देखा। इसमें भी अगर हम बात करें कि जो बुद्धकालीन गणराज्य थे वो क्या थे, तो कपिलवस्तु के शाक्य में बुद्ध का जन्म हुआ था, और सुमसुमारगिरी के मग्गे जो वर्तमान मिर्जापुर का क्षेत्र है, केशपुत्र के कलाम आचार्य अलार कलाम यहीं से थे। तो इस तरह से करके हम आगे पढ़ेंगे और काफी महत्वपूर्ण तथ्य पर प्रकाश डालेंगे। ये सेशन पीपीटी के माध्यम से वीडियो बन तक बने रहिएगा। निशुल्क सेशन है और निशुल्क सीरीज मेरे द्वारा सभी के लिए राष्ट्रीय में देशभर में इसलिए सीरीज पूरा पढ़िएगा, जहाँ जरूरत पर इसके नोट्स बनाते चलेगा और इसकी नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल भी पाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो जनपद है ये वैदिक काल के मुख्य राज थे, जो लगभग 1500 पूर्व से विद्यमान। तो जनपद है ये वैदिक भारत के मुख्य राज्य थे, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से ही विद्यमान, लेकिन मुख्य रूप से राजशाही के रूप में कार्य करते। छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक संभवतः 22 अलग अलग जनपद, कितने थे 22 अलग अलग जनपद, लेकिन महाजनपद छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद प्रसिद्ध रहा। लेकिन जो महाजनपद छठी शताब्दी ईसा पूर्व, मैंने पहले कहा कि 16 महाजनपद बटे हुए थे के बाद ये प्रसिद्ध थे। उन्होंने इसे बड़ा बनाने के लिए जनपदों और छोटे कबीलों को जोड़ा। उन्होंने क्या किया, इसे जनपदों और छोटे कबीलों को जोड़ा। 600 ईसा पूर्व और 325 ईसा पूर्व के बीच भारतीय उपमहाद्वीप में 16 महाजनपद, 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व की अगर बात करें भारतीय उपमहाद्वीप में कुल प्रसिद्ध 16 महाजनपद थे, जिनको आज के सेशन में, आज की क्लास में हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। इस अवधि को भारत में दूसरे शहरीकरण की अवधि के रूप में भी जाना जाता है। इस अवधि को भारत का दूसरा शहरीकरण या भारत का दूसरा नगरीकृत नगरीकरण माना जाता है। पहला सिंधु घाटी सभ्यता था, दूसरा महाजनपद का समय या छठी ईसा पूर्व माना जाता है। अगर इसमें हम बात करें तो इसमें 16 महाजनपद कुछ ऐसी चीजें थी, टॉपिक जो हमारे लिए काम की थी और प्रसिद्ध थी। 16 महाजनपद में बौद्ध ग्रंथ अगंतो निकाय और जैन भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का जिक्र है, जहां पर हमने शुरुआत में ही आपको मैंने स्पष्ट रूप से बताने पढ़ाने का प्रयास किया था। मैंने बताया कि 16 महाजनपद में अगर हम बात करें जैन ग्रंथ तो भगवती सूत्र है, वही अगर बौद्ध ग्रंथ की बात करें अगंतो निकाय से, वे तो राजतंत्रवादी या गणतंत्रवादी थे। गणतंत्रवादी राज्यों में सर्वोच्च प्राधिकरण के रूप में गण परिषद वरिष्ठों की सभा थी। राजशाही राज्य में मगध, काशी, वत्स, चेदी, वत्स, सूरसेन, अवंती, गांधार, कुरुकुशल, पाचाल, अंक और अश पर कमोश। राजशाही राज्य या गणतांत्रिक राज्य मल्ल और वज्जी, केवल दो राज्य मल्ल और वज्जी। मैंने शुरू में ही आपको बता दिया प्रारंभ कि मल्ल और वज्जी गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली में महाजनपदों में थे, लेकिन बाकी जो 14 थे
वो राजा तंत्र पे आधारित है। इस सेशन की शुरुआत में मैंने आपको बताया। इन 16 महाजनपदों अगर हम देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप में इनका डायग्राम के सामने एक ही रूप में स्पष्ट दिखे। आप इन्हें चाहे तो इसकी सॉल्व कर सकते हैं। भारत के 16 महाजनपद यहाँ पर फैले। इन 16 महाजनपदों को पढ़ना, याद करना आप सभी के लिए महत्वपूर्ण। अंग, मगध, मल्ल, काशी, कौशल, अंचाल, कुरु, वज्जी, वत्स, मत्स्य, सूरसेन, चेदी, अश्मक, अवंती, गंधार, इस प्रकार कुल 16 महाजनपद है कंबोज। तो सबसे पहले हम अंग पढ़ते हैं। अंग की बात करें, अंग भी पहला महाजनपद। अंग की अगर राजधानी की बात करें, 16 महाजनपदों में अंग की जो राजधानी वो चंपा, प्राचीन नाम मालिनी मुंगेर, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें इनकी सेशन में, सेशन में क्या चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर हम अंग की बात करें, इसकी राजधानी क्या है, महाभारत और अथर्ववेद दोनों में अंग का उल्लेख, मतलब अंग जो महाजनपद है ये इसका दोनों जगह आपको जिक्र मिलता है, महाभारत में भी और अथर्ववेद। अंग महाजनपद का वर्णन इतने ब्राह्मण महाभारत पुराण रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों में है, इसका अंग महाजनपद ये आधुनिक भागलपुर बिहार और पश्चिम बंगाल में स्थित। इसे बिम्बिसार के शासनकाल में मगध साम्राज्य द्वारा जब्त कर लिया गया। इंपॉर्टेंट लाइन है जो परीक्षा में पूछ लेगा। इसे बिम्बिसार के शासनकाल में मगध साम्राज्य द्वारा जब्त कर लिया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट रखें। मगध, मगध की जैसे नाम लेते हैं तो एक टॉपिक हमारे मन में रहता है कि मगध साम्राज्य को ही आपको पढ़ना, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसकी राजधानी गिरिवज मतलब राजगिरी थी। अब यहां जानते हैं गिरिवज या राजगिरी मगध की राजधानी थी। मगध नाम सबसे पहले अथर्ववेद कहां पर आता है, अथर्ववेद में आता है। इसमें मुख्य रूप से बिहार की पटना, नालंदा, गया जिले और चंपा नदी द्वारा अलग किए गए बंगाल के पूर्वी हिस्से शामिल। बाद में मगध जैन केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट, आगे चलो क्या हो गया, मगध जैन केंद्र भी बनकर रहे। इसके साथ देखेंगे पांच पहाड़ियों द्वारा संरक्षित राजगिरी या गिरिवज मगध की प्रारंभिक राजधानी, ये भी परीक्षा में पूछे। उदयन ने दो नदियों सोन और गंगा के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी, ये भी परीक्षा में पूछे। मराठा सेशन में हम इसको पढ़ाएंगे, जहां पर 60 नोट्स के माध्यम से साम्राज्य में केंद्रीय स्थान होने के कारण उसने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थापित। साम्राज्य में केंद्रीय स्थान होने के कारण उसने क्या किया, राजधानी राजगिरी से क्या की थी, पाटलिपुत्र स्थापित। ये परीक्षा के लिए बहुत अहम इंपॉर्टेंट है, आप चाहे देख लें, आप चाहे इसकी स्क्रीनशॉट आपके पास। आगे हम लोग चलेंगे काशी। जैसे हमारे मन में काशी आता है तो काशी की जो राजधानी थी वो वाराणसी थी, जिसे बनारस कहते हैं। अब आगे देखते हैं इस काशी में मत्स्य पुराण के अनुसार जो काशी थी, इस शहर का नाम वरुण और 80 नदियों के नाम पर रखा। काशी कौशल मगध अंग के राज्यों के साथ लगातार संघर्ष, यहाँ पे सूती वस्त्रों और घोड़ों के बाजार के यह प्रसिद्ध था। माने जो काशी था वो सूती वस्त्र और घोड़ों के बाजार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, परीक्षा में पूछा। अगला वत्स, वत्स की हम लोग जानते हैं, वत्स की राजधानी क्या थी, क्या कोई कमेंट करके बता सकता है, कौशाम्बी, इलाहाबाद बांदा का जो क्षेत्र, यहां से परीक्षा में सवाल आते हैं। वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। यह वत्स ऋग्वैदिक काल से एक जैसा प्रतीत होता है, इसे कौरव कुरुओं की एक शाखा कहा जाता है जो हस्तिनापुर से स्थापित होकर कौशाम्बी में। अगला है कौशल। कौशल महाजन जिसकी राजधानी श्रावस्ती, अयोध्या, अयोध्या का पुराना नाम फैजाबाद, और पहले अयोध्या था, फैजाबाद और फिर अयोध्या। तो जब हम बात करते हैं कौशल की, जिसकी राजधानी श्रावस्ती उत्तरी साकेत वर्तमान अयोध्या, उत्तरी राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी राजधानी,
तो साकेत वर्तमान अयोध्या, साकेत वाले फैजाबाद, मतलब उत्तरी राजधानी जो कौशल की थी वो आपकी श्रावस्ती थी और दक्षिणी जो साकेत आज का अयोध्या। इंपॉर्टेंट है यहां से परीक्षा में सवाल सीधे पूछे जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण कौशल महाजनपदों का वर्णन करता है, अवध उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पुराना नाम क्या है कमेंट करके। कौशल के राजा प्रसेनजीत मगध के राजा प्रसाद और राजा समकालित, कौशल कपिल वस्तु के शाक्यों के जन्म जाति वर्तन क्षेत्र में शाम। बात करते हैं सूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, कहाँ थी मथुरा। अब हम बात करेंगे इसकी राजधानी कहाँ थी मथुरा, जो यमुना नदी के तट पर। यह दो प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय व्यापार मार्ग हैं, उत्तरापथ और दक्षिणापथ के संगम पर स्थित। अगला जो था पांचाल, जो पांचाल इसकी राजधानी उत्तरी पांचाल राजधानी अचत्र था और दक्षिणी पांचाल राजधानी कापिल था। ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इंपॉर्टेंट आप चाहे तो इसकी नोट्स बना ले आपको जैसा लगे। मानी पांचाल की राजधानी अचत्र जो था वर्तमान बरेली जो था ये उत्तरी था और कापिल वर्तमान फर्रुखाबाद ये दक्षिण, ये दक्षिण, ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये उत्तरी और दक्षिणी दोनों रख लीजिएगा, ये परीक्षा में कई बार पूछ लीजिएगा। उत्तरी राजधानी अयछत्र था और दक्षिणी कंपिल फर्रुखाबाद। अच्छा ये ध्यान रखिए, कन्नौज का प्रसिद्ध शहर पंचाल के राज्य में स्थित, कन्नौज शहर जो था वो कहाँ पर स्थित था, प्रसिद्ध शहर पंचाल के राज्य में ही स्थित था, जिसे इत्र नगरी कहते हैं। कुरु इंद्रप्रस्थ जिसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ मेरठ दक्षिण पूर्वी हरियाणा का मिला राजधानी इसकी इंद्रप्रस्थ। यह संभवतः कुरुक्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में विकसित हुआ था, यह वही स्थान था जहां महान युद्ध महाभारत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आगे लिखेंगे मत्स्य, मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी विराट नगर जय, विराट नगर आधुनिक बैराट जयपुर के आसपास का मत्स्य। मीन साम्राज्य जिसे संस्कृत में मत्स्य साम्राज्य के रूप में जाना जाता है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया, यह जयपुर अलवर और भरतपुर के राजस्थान क्षेत्र में स्थित है। अगला है चेर, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है चेर। चेदी की जो राजधानी है चौतित्वती थी, जिसे हम शुक्तिमती भी कहते हैं। अगर हम बात करें राजधानी सोथी, जिसे हम शुक्तिमती भी कहते हैं, इसका उल्लेख ऋग्वेद में है। महाभारत इसका नाम संस्कृत में सोथीमती था। यह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के बुंदेलखंड क्षेत्र का स्थित है, यहाँ का शिशुपाल था, कौन था शिशुपाल। अगली जो राजधानी राज्य महाजनपद है अवंती, अवंती कितना होगा आप लोग को, वीडियो को शेयर कर दिए, लाइक नहीं कर तो लाइक करके रखिएगा, सभी लोगों को तो शेयर भी कर दीजिएगा। अवंती, अवंती की जो राजधानी थी वो क्या थी, उत्तरी अवंती उज्जैन या उज्जैनी थी, दक्षिणी अवंती महेश्वरी। परीक्षा में पूछेगा कई बार कोर्ट वाले कुछ हैं मिलान करने वाले हैं, इस तरह के सवाल के रूप में आते हैं, तो अगर आप तैयार हैं तो इसे रखते रहो। उत्तरी राजधानी उज्जैन, उत्तरी भाग महिष्मति उज्जैन, इसे में मालवा और मध्य प्रदेश का क्षेत्र शामिल। वेत्रावती नदी ने अवंती को उत्तर और दक्षिण में विभाजित, वेत्रावती नदी ने क्या किया, अवंती को उत्तर और दक्षिण में विभाजित। बुद्ध के समय अवंती का शासन चंद्रप्रभु, शासक जो था चंद्रप्रभु बुद्ध के समय। अंत में शिशुनाग द्वारा अवंती राज को मगध साम्राज्य में भेजा। बाकी आप नोट्स जब पढ़ेंगे पूरी चीजें और क्लियर हो जाएंगे आपकी। अगला है
गांधार की राजधानी, अच्छा में पूछे गए सवाल, तक्षशिला, तक्षशिला। अथर्ववेद में गांधार का उल्लेख है। सिकंदर महान के भारत अभियान के समय अम्बी आधुनिक सर कटार पाकिस्तान के पास गांधार की राजधानी। पुष्कर सरीन एक शक्तिशाली राजा थे जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में फारसियों द्वारा बंदी बना गया। कंबोज हैटक राज कश्मीर का क्षेत्र, इसकी राजधानी थी हैटक राज। कंबोज पुंछ वर्तमान में रावलपुर, इसकी राजधानी थी हैटक राज। कंबोज यह आधुनिक कश्मीर और हिंदू कुश में स्थित है। लगभग 530 ईसा पूर्व थोड़ा पहले के फारस के अकमेनी सम्राट साइरस के हमले शिकार। कहा जाता है कि साइरस प्रथम ने कप्सी आधुनिक ग्राम के कंबोज शहर को नष्ट कर दिया था। ये इंपोर्टेंट है। अश्मक, अश्मक की जो राजधानी है वो पोतन या पोटनी जो प्रतिष्ठान आगे चले जाता है। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम पर जो लोग वीडियो को देख रहे हैं टेलीग्राम पर जरूर जुड़ेंगे। टेलीग्राम पर सर्च करके दुर्गेश गोदावरी के तट पर था। अश्मक यह दक्षिणा पथ में एकमात्र महाजनपद था और विंध्य श्रेणी के दक्षिण में स्थित। वज विदेह एवं मिथिला, इसकी राजधानी थी विदेह एवं मिथिला मतलब वज। अब वज की राजधानी वैशाली थी, विदेह मिथिला। लिच्छवी की राजधानी वैशाली की, विदेह राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यहां सवाल आता है लोग गलत कर गया, मतलब लिच्छवी जो राजधानी वैशाली की, विदेह राजधानी मिथिला। यांत्रिक पुण्यधाम में स्थित सबसे शक्तिशाली कवि अजात शत्रु ने 16 वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद वज्जी पर विजय प्राप्त किया था। मल्ल, मल्ल की जो राजधानी है, मल्ल किसलिए प्रसिद्ध था मैंने ऊपर आपको पढ़ाया बताया। अगर हम मल्ल की बात तो इसकी जो राजधानी थी कुशीनारा था। पाव मारे देवरिया गोरखपुर का क्षेत्र है, यह परीक्षा में आते हैं कुशीनारा पावापुरी। कुशीनारा जो पावापुरी किसके प्रसिद्ध कमेंट करिएगा। इसका उल्लेख बौद्ध और जैन शास्त्रों में साथ साथ होता है। इसके मल्ल की राजधानी कुशीनारा महाभारत में भी मिलता है। मल्ल एक लोकतांत्रिक गणराज्य था, शुरुआत में मैंने पढ़ाया। कुशीनारा में महापरिनिर्वाण लेने से पहले बुद्ध ने पावा में अपना अंतिम भोजन किया था, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है परीक्षा, क्योंकि आजकल परीक्षा का जो ट्रेंड है कोड वाला, कोड वाले सवाल यहाँ से खूब ज्यादा पूछे। तो महाजनपद काल के महत्वपूर्ण अवधि ये भी परीक्षा में खूब पूछे, खासकर जब भी सिलेक्शन की बात, तो यहाँ से सवाल खूब ज्वाला भर भर के आते। जो महाजनपद में अगर देखें तो मगध साम्राज्य जो है काफी इंपॉर्टेंट रहता है। 16 महाजनपदों में मगध एक ऐसा जनपद होता था, एक ऐसा जो आगे चलकर एक साम्राज्य। मगध का इतिहास महाभारत पुराण और अथर्ववेद से भी मिलता है। मौर्य साम्राज्य के पहले मगध साम्राज्य 3 शक्तिशाली राजवंशों ने स्थापित किया, हर्यक वंश, शिशुनाग और नंद। इन तीनों को पढ़ेंगे, उसके पहले हम इनकी अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालें, क्या क्या इसमें से लिखने योग्य इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अधिकांश सारी बस्तियां, मतलब हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, अधिकांश सारी बस्तियां व्यापारियों और कारीगर साथ में गिल्ड में संगठन द्वारा बसाई थी। व्यापार और शिल्प का अभ्यास वंशानुगत कैसा था, वंशानुगत। व्यापार पुनिश और सतामत मैंने वैदिक ग्रंथों में वाणिज्य कोई प्रतात्विक साक्ष नहीं है नामक धन के उपयोग के माध्यम से सुगम बनाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। व्यापार को निष्ठ और सतामन नामक धन के
उपयोग के माध्यम से सुगम बनाया गया, लेकिन इसका वैदिक ग्रंथों से कोई प्रतात्विक स्रोत नहीं। वेशा का मतलब व्यापारियों की गली, वेशा का मतलब क्या था? व्यापारियों की गली। कृषि क्या था? एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर क्या था? लोहे के औजार जैसे कुल्हाड़ी, चाकू, उस्तरा, कील और दराती के प्रयोग से कृषि को आसान बनाया। धान की रोपाई की, धान की रोपाई की भी इसके जौ, कपास, दालें, बाजरा, गन्ना भी उत्पादित किया। एग्रीकल्चर में देखिए, अगर हम देखें तो सिंधु घाट सभ्यता और वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, उत्तरी वैदिक काल के बाद एक बड़ा अंतर आपको क्या देखने को मिले। इसके साथ ही इसके सेशन में और आगे चलेंगे और हम आपको डे बाय डे हर इम्पोर्टेंट सेशन के साथ बढ़ेंगे ताकि आप परीक्षा में कोई दिक्कत भागा। कृषि उपज भागा कर क्या था? भागा टैक्स। कृषि उपज का 1/6 भाग शाही पद्धति को देना होगा, कोई मध्यवर्ती जमींदार नहीं, बलि साधकों ने किसानों और वैश्यों से बलि नामक अनिवार्य कर मनी बलि के कर्ता वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो ये वर्ण व्यवस्था उसका ही वैश्य। धनी किसानों को गृहपति कहा जाता, क्या कहते हैं? गृहपति। गृहपति कहला। आहत के सिक्के, कई बार सवाल आता है कि आहत के सिक्के क्या थे? सबसे पुराने माने आहत छिद्रित सिक्के, चिन्हित सिक्के को हम आहत के सिक्के कहते हैं। सबसे पुराने सिक्के जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के थे, वे पहली बार पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में परिचालित हुए। वे चांदी और तांबे के बने, उन्हें दो समूहों में वर्गीकृत किया गया, स्थानीय और सार्वभौमिक। स्थानीय जो थे, चिन्हित सिक्कों में उनके स्थान और आकार के आधार पर 1 से 4 प्रतीक होते थे। सार्वभौमिक चिन्हित सिक्कों में 5 चिन्ह होते थे और मुख्य रूप से मगध वंश द्वारा जारी किए। इसके द्वारा मगध वंश के द्वारा जारी किए कि कूट में आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप सिक्के दे सकते हैं, आप चाहते इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें, आपके काम में चिन्ह सिक्के चिन्ह सिक्के ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा जरूर से कर। अब समाज, तो ये समाज कैसे थे? यहाँ पे जो समाज थे वो 3 प्रकार के गांव थे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला क्या था? पहले में भोजका के नेतृत्व वाली विविध जनजातियों समुदाय, मैंने पहले में क्या थे? भोजका के नेतृत्व वाली विविध जनजाति और समुदाय। दूसरा प्रकार का उपनगरी और मुख्य रूप से ग्रामीण शहरी क्षेत्रों को जोड़ने वाले शिल्पकारों द्वारा बसा गया, ठीक, ग्रामीण नगरी शिल्पकारों जोड़ने वाले शिल्पकारों द्वारा बसा गया। दूसरा प्रकार उपनगरी था, मुख्य रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जोड़ने वाले शिल्पकारों द्वारा बसा गया। तीसरी श्रेणी में बाहरी इलाकों में गाँव शामिल, जहाँ पहले शिकारी और अन्य लोग अधिक पिछड़े जीव जीवन जीते। इसमें क्या था? जहां पर बहेलिया शिकारी और अन्य लोग अधिक पिछड़े जीवन जीते। समाज आप देख सकते 3 प्रकार समाज थे, भोजका जनजाति समुदाय थे, दूसरा क्या था? ग्रामीण शहरी क्षेत्र वाले सरकार द्वारा बचाया गया। तीसरा क्या था? पहले शिकारी और अन्य लोग पिछड़े जीवन जीते। प्रशासन और साम्राज्य, राजा की योद्धा के रूप में सेवा और सर्वोच्च प्रशासनिक पद पर आसीन। राजा क्या था? एक योद्धा के रूप में सेवा करता था, प्राचीन एक सर्वोच्च प्रशासनिक पद पर बैठा था। उससे महापात्र नामक अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की, जो मंत्री, सेनापति और न्यायाधीश मुख्य लेखाधीशी का पूरी करते। समान कार्य वाले अधिकारियों को एक अन्य समूह आयुक्त के रूप में जाना, इसमें आयुक्त के रूप में जाना। गांव के प्रशासन का नेतृत्व एक गांव के मुखिया द्वारा किया जाता, जिसे ग्राम भोजक, ग्रामीण या ग्रामिका कहा जाता। एक अस्थायी बड़ी और पेशेवर सेना होती थी, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयुक्त क्या था?
समान कार्य वाले अधिकारियों के एक अन्य समूह को आयुक्त के रूप में जानते थे। महापात्र नामक अधिकारी द्वारा क्या होता था, सहायता प्रदान की गई थी जो मंत्री, सेनापति, न्यायाधीश और मुख्य लेखाकार जैसे भूमिका को पूरी। ठीक है, गांव के प्रशासन का नेतृत्व गांव के मुखिया द्वारा किया जाता था, जिसे हम ग्राम भोजक, ग्रामीण या ग्रामिका कहते थे। एक स्थायी बड़ी पेशेवर सेना भी होती थी। प्रशासन और कानून जो पर हम लोगों ने पढ़ा, पतन ये महाजन पदों का पतन कैसे, महाजन पदों पतन के विभिन्न कारण जैसे राज्यों के बीच आंतरिक संघर्ष और सत्ता संघर्ष, विदेशी शक्तियों द्वारा आक्रमण जैसे सिकंदर महान, अधिनियम, तीसरा आर्थिक गिरावट जिसमें अत्यधिक कर, व्यापार व्यवधान, किसी उत्पादकता में गिरावट शामिल थी। चौथा था उस सामाजिक समूह की बढ़ती असमानताओं और उत्पीड़न उत्पन्न सामाजिक अशांति, पड़ोसी राज्यों से बाहरी दबाव, विशेषकर मगध साम्राज्य की विस्तारवादी नीतियों पर। इसके बाद इसी में हम लोग को पढ़ना था मगध साम्राज्य। अगर आप कहेंगे तो मगध साम्राज्य विशेष पढ़ा देंगे, या उसके लिए मगध साम्राज्य की एक अलग सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, जहां पर हम कोशिश करेंगे कि मगध साम्राज्य को कंप्लीट रूप से एक अलग वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ा हो समझा। तो इसके बाद हम लोग मगध साम्राज्य को पढ़ेंगे अलग सेपरेट वीडियो, तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। और अगर आप नोट समझे कोई भी जानकारी अच्छा तो ई लर्निंग विद प्रोग्रेस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपने ले सकते हैं। यहाँ पे नोट संबंधित सभी जानकारी आपको मिल जाएगी, घर बैठे सभी नोट्स आप प्राप्त। यहाँ पर एनसीईआरटी की सभी नोट्स जी 86 लेकर भारत हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम में प्राप्त कर सकते हैं। ई लर्निंग विद प्रोग्रेस ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर अभी तक आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर आप दुर्गेश पर सर्च कर ई लर्निंग विद प्रोग्रेस से लिख सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा, लाइक नहीं है तो लाइक रखिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना, क्योंकि इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो काफी महत्वपूर्ण है। मगध साम्राज्य हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे, जिसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश को पढ़ेंगे, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के पहले मगध साम्राज्य को तीन शक्तिशाली जो राजवंशों ने स्थापित किया। हर्यक वंश मगध का संस्थापक कहलाता है, मगध साम्राज्य का, जिसके पहले संस्थापक बिम्बिसार थे, फिर अजातशत्रु, उदयन और नागदशर हर्यक वंश का अंतिम शासक। फिर शिशुनाग, शिशुनाग वंश में शिशुनाग संस्थापक थे, फिर कालाशो, नंदीवर्धन आते हैं जो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक होते हैं, और हर्यक वंश का अंतिम जो शासक था वो नागदशक था। कौन था? नागदशक, क्योंकि हर्यक में मगध संस्थापक बिम्बिसार संस्थापक थे, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक, नागदशक अंतिम शासक था। शिशुनाग वंश में शिशुनाग संस्थापक थे, उसके बाद कालाशोक और नंदीवर्धन थे। फिर नंद वंश में महानंदिन या महापद्मनंदन संस्थापक थे, इसके इनके 8 पुत्रों ने 100 वर्ष शासन किया, घनानंद के अंतिम शासक थे। इन सब के बारे में, इन सब के कार्यों के बारे में क्रमवार से पढ़ेंगे, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, कई बार लोग गलती भी कर लेते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसे सब पूरी तरह से पढ़ने का, ताकि यहाँ से कोई गलती ना हो, कहीं से समस्या ना हो। ये पूरा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस सेशन में बने रहिएगा और सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो लाइक करेंगे, चैनल नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, जहाँ भी आप देख रहे हैं इसको फॉलो करेंगे। मिलते हैं इस सेशन के और आगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।